शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। हमने सबसे ज्यादा उन्हीं पलों को जिया है, सबसे ज्यादा खुश उन्हीं पलों में रहे। पर ऐसे जिद से हासिल किया हुआ प्यार प्यार नहीं होता है। अगर तुमने हमसे एक पल भी सच्चा प्यार किया है ऐसे तो हमें जाने दो, चले जाओ से, हमेशा के लिए यहां से चले जाओ। और ऐसे जाओ कि मरकर कभी वापस मत आना। प्लीज हमको जाने दो से। एक पल भी सच्चा प्यार किया है ऐसे तो हमें जाने दो। आशी आई है तो कुणाल कहाँ चला गया? आशी तो अपनी ही जिद पे है, हमें कुणाल से बात करनी होगी। यार ये प्रकाश भाई। हाँ प्रकाश भाई, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। सुना तेरी शादी हो रही है, तूने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुलाया? प्रकाश भाई आपको पता है ना। देख तेरी दावत का भूखा नहीं, ये पूछना है कल आशी के जायदाद के पैसे मिल जाएंगे ना। वैसे बड़ी देर कर दी है। अरे प्रकाश भाई हर बार कोई ना कोई मुसीबत आ जाती थी, लेकिन अब बस। अरे वो लड़की हमें छोड़ के मंडप से वो सिद्ध के साथ चली गई थी, ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुहागरात पे उसे मार के फांसी पे लटका देंगे। सबको लगेगा कि सिद्ध से ब्याह नहीं हुआ इसीलिए आत्महत्या कर ली। एक बार हम उसके लीगल पति बन जाए ना, उसके बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। सपना होता है उसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले जो उसे खुश रख सके। हमारी आशी की किस्मत में हमारा ही बेटा लिखा था, हमारा ही खून हमारी बच्ची का खून करेगा। नहीं नहीं, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हम अपनी बच्ची को बचाएंगे, जान दे देंगे, पर आशी की जान नहीं जाने देंगे। ये एक बाप का वादा है अपनी बेटी से। दरवाजा किसने बंद किया? कौन कौन? अरे यार, अरे किसने बंद किया, हमें खोलो। मुझे लगता है किसी ने जान पूछ के किया ये। अरे कोई है बाहर? अरे खोलो हमें। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। आशी को तुम्हारी जरूरत है। नहीं बाबा, आशी को मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। देखो बेटा, अगर तुम यहाँ से चले गए ना
तो अलर्ट हो जाएगा। अरे वो कुणाल आशी को मार देगा, जान से मार देगा। आप भी मेरी और आशी की शादी करवाने के लिए सब बोल रहे हैं ना? सही कहती है आशी, मेरा प्यार उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। नहीं जरूरत उसे मेरी, मैं नहीं रुकने वाला। कुणाल को रोकना इतना आसान नहीं, जानते हैं आशी, ये तुम्हारे सेट का किया था। देखते हैं कि वो तुमको हमसे कैसे बचाएगा। कुणाल रुक जा, ये शादी मत कर। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें अलग मत कर। और वैसे भी हम तेरे इरादे जान गए। तुझे पैसा चाहिए ना, ठीक है, हम सब कुछ वापस तेरे नाम कर देंगे, लेकिन तू उन दोनों के बीच में मत आ, बस। अब हमारे ही बाबा है ना, क्योंकि हमें कभी कभी यकीन नहीं होता। देखे ना कि इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आप वो सिड आशी की पड़ी है, पर अपने बेटे का क्या? अब तो हमें पैसे नहीं, अब तो हमें आशी भी चाहिए। देखते कौन। हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। बाबा छोड़िए हमें। मैं कहता हूं हमारे साथ चलो। बाबा हमारा हाथ छोड़िए। चलाओ। बाबा बाबा हमारा हाथ छोड़िए। बाबा छोड़िए हमें। चलो। बाबा चलो इधर। हमारी बात मान लो, वरना हम तुम्हारा सच सबको बता देंगे। ये हमने सब रिकॉर्ड किया है तुम्हारी आवाज, सुनोगे? आज सुहागरात पे उसे मार के फांसी पे लटका देंगे। सबको लगेगा कि सिद्ध से ब्याह नहीं हुआ, इसीलिए आत्महत्या कर ली। एक बार हम उसके लीगल पति बन जाए ना, उसके बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। छोड़ो फोन, मैं कहता हूँ फोन छोड़ो। बाबा हमें थोड़ी देरी हो रही है, हम शादी करके आते हैं, तब तक आप ऐसे आराम करिए। अभी कुणाल कहाँ रह गया? निधि जरा जाके देख, कुणाल और तेरे बाबा कहाँ रह गए? जी माँ, आ गए। वर वधू का गठबंधन कीजिए। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब अंतिम के तीन फेरों में वधू आगे चलेगी। फेरे संपन्न हुए, अब आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। आशी की शादी के बाद सिट को मुझसे शादी करनी ही होगी। फाइनली मेरे इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। मंगल सूत्र पहनाइए। हमें कोई चिंता नहीं,
आशी की शादी कुणाल से हो ही गई। अब अमित जी हम पे सच बोलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते, पर अमित जी है काम।